बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कप्तान इमरान खान साहब और साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा के केसेस के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि एक तो आज साइफर केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए फिक्स है। कल से आज पर ये समाअत जो है मुलतवी हुई थी। आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से दलाइल दिए जाएंगे और वो देखते हैं अब दलाइल कितना टाइम के लिए चलते हैं, उसके बाद अदालत फैसला सुनाएगी। तो हम ये इस्तदा करते हैं कि लिंगर ऑन डिले टैक्टिस मजीद ना की जाए और इस केस के अंदर दलाइल जैसे केस ट्रायल चलाया गया उसी तरह से यहां पर दलाइल जो है जल्दी निपटाए जाएं और फैसला दिया जाए, इंसाफ फराहम किया जाए। मेरिट के अगर ऊपर फैसला आता है तो ये केस बिल्कुल फारिग है। इसमें कोई रोल ना इमरान खान साहब का ना शाह महमूद कुरैशी साहब का है। तो इसके साथ साथ आज जेल के अंदर जो समातें होने जा रही हैं, एक तो जेल के अंदर जो ट्रायल चल रहा है अलकादर ट्रस्ट केस, उसमें गवाहों के बयानात कलम बंद हो रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। तो उस केस के अंदर बुशरा बीबी साहबा और खान साहब के ऊपर ये जो केस बनाया गया है इसमें जो अलकादर यूनिवर्सिटी का ऑफिसर है उसने आकर स्टेटमेंट दी है कि ना इमरान खान साहब ने ना साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया। तो पैसे तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे, ना फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है, तो फिर केस किस बात का चलाया जा रहा है? झूठे केसेस हैं। इसके साथ साथ 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ एफआईआर पूरे पाकिस्तान में हुई थी, तो खान साहब के ऊपर रावलपिंडी में एफआईआर हुई जो आज अदालत फिर जेल में लगेगी। तो ये इसी तरह से 10 केसेस हैं 9 मई के हवाले से वो चल रहे हैं। 9 मई के हवाले से अदालतें मुख्तलिफ अदालतें बेल्स डिसाइड करते हुए उन्होंने ऑर्डर के अंदर लिखा है कि एक बंदा बिहाइंड द बार है, वो कैसे आप कह सकते हैं कि उसने अंदर से कहा कि जलाओ करो गिराओ करो किसी बिल्डिंग को आग लगाओ, तो कोई शवाहिद नहीं मिलते ऑन रिकॉर्ड। इस केस के अंदर जितने केसेस भी बनाए गए हैं केसेस झूठे हैं, इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जुडिशियल कमीशन आज तक हम कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 25 मई से दरख्वास्त भी दी है लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं है। इसके साथ साथ आज 6 बेल्स खान साहब की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगी हुई हैं जिनमें 9 मई के साथ साथ जेली रसीदों के हवाले से बुशरा बीबी साहबा खान साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज है और 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ हैं। इसमें अदालत लास्ट हियरिंग के ऊपर छुट्टी पर थी यानी कि वो ट्रांसफर अदालत जज साहब हो गए थे, तो लिहाजा आज समाअत है, अब देखते हैं इसमें इमरान खान साहब की हाजिरी, क्योंकि प्रीवियस बेल जब कन्फर्म की जाती है तो उसमें एक्यूज की हाजिरी जरूरी है, तो जेल अथॉरिटीज जो है वो तो हुक्म मान ही नहीं रही अदालतों का। बार बार कहा जाता है अदालत में पेश किया जाए, वो ना पेश करते हैं ना वीडियो लिंक के जरिए उनकी हाजिरी लगाई जाती, तस्वीर का खौफ है। तो हम ये इस्तदा करेंगे कि ये 6 बेल्स भी डिसाइड की जाएं ताकि कोई केस पेंडिंग ना रहे। और उसके साथ साथ ये कई महीनों से चल रही हैं और उसके साथ साथ आपको बताता जाऊं कि आज अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ही जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अप्लाई किया हुआ था उस जमानत की दरख्वास्त के ऊपर आज समाअत है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। तो उसमें भी हम इस्तदा करेंगे। नैब ने बहाने बनाए थे कि हमने जवाब जमा कराना है, ये करना है, वो करना है, हमें नोटिस जो है वो नहीं मिला, पहली दफा हम पेश हुए, हालांकि उससे पिछली डेट के ऊपर उन्हें नोटिस मिल चुका था। तो वो बहाने टैक्टस जहां पर नवाज शरीफ को रिहा करना हो तो वहां पर नैब खुद ही पहुंच जाता है कि बिल्कुल जी इसको रिहा कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। तो ये भी आज समाअत फिक्स है। उसके अलावा बुशरा बीबी साहबा को बनी गाला से अडयाला जेल शिफ्ट करने के हवाले से जो दरख्वास्त है वो भी आज समाअत के लिए फिक्स है। कल
अदम हाजिरी के ऊपर ये खारिज हुई थी, बहाली की दरखास्त दी थी, क्योंकि कल ट्रैफिक के अंदर जो है वो रूट लगा हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ और अदालत ने फौरन ही इस दरखास्त को डिसमिस कर दिया। तो वो भी आज है जिसमें हम यही इस्तदआ कर रहे हैं कि उनसे पूछा ही नहीं गया और खुद ही वहां पर यरगमाल बनाकर रख दिया गया और जो प्राइवेसी के ऊपर हमला किया जा रहा है कि वहां पर कैमरे लगाए गए हैं वॉशरूम और जो है वो बेडरूम में और वहां पर जिस तरह से रखा गया है, जो खाने में जो है वो एसेट मिलाकर दिया गया जिसके ऊपर अभी तक टेस्ट जो है वो नहीं करवाए गए, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर रख के लोगों को ये तासर दिया जा रहा है कि शायद बुशरा बीबी साहब खुद रह रही हैं उधर, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि जहां पर आम कैदी दूसरे कैदी हैं मुझे वहां रखा जाए और उसमें आज समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो फिक्स है। तो हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, इंसाफ की उम्मीद से अदालतों में जाया जाता है। आज तक जितना यरगमाल बनाया गया अब हम अदालतों से इस्तदा करते हैं कि फिलफौर इंसाफ जो है लोगों का हक है, बुनियादी हक है, इंसाफ दिया जाए, इंसाफ फराम किया जाए खान साहब को, तमाम हमारे पाकिस्तान तरीक इंसाफ के वर्कर्स को, उनके अहलिया को, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उनको, सबको। जहां पर अदालतें इंसाफ नहीं करती तो फिर मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क में तरक्की तभी आएगी जब मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ की, आइन की बालादस्ती की हम जंग लड़ रहे हैं, तो अदालतों के ऊपर अब टाइम है कि उनको खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।